हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहसिन शेख और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, स्कूलों का सीज़न शुरू हो चुका है, स्कूलें शुरू हो चुकी है, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। कुछ बच्चे कंटिन्यू हैं, कुछ बच्चे डिसकंटिन्यू हैं, कुछ बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं वो या तो बीमार हो सकते हैं या ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, और अगर बीमार हैं तो ज़्यादातर एक कंप्लेन देखने में आती है जिन बच्चों के अंदर स्कूल जाने का डर होता है या स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि उनका पेट दुखता है। कोई बच्चे कहते हैं उन्हें पैर दुख रहे हैं, किसी के सर दुख रहा है, तरह तरह की कंप्लेंस अपने पेरेंट्स को वो बच्चे बताते हैं। अब सुबह से पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि ये बच्चे का स्कूल का ऑटो आ चुका है, स्कूल बस आ चुकी है, स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल का गेट बंद हो जाएगा, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। तो अब इस लिए तकलीफ़ के लिए क्या किया जाए? तो इन तकलीफ़ों का होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में बड़ी ही आसानी से इलाज मौजूद है। तो ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे या तो किसी बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या किसी ऐसे लक्षण, किसी ऐसे सिम्टम्स की वजह से नहीं जा पा रहे हैं कि जिस वजह से कई दिनों से, कई हफ्तों से उनका स्कूल मिस हो रहा है, जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताएं, जैसे पेट दर्द, पैरों का दर्द, सर दर्द, बुखार, डर, स्कूल जाने का डर, टीचर्स का डर, तो इन तकलीफ़ों का होम्योपैथिक मेडिसिन में बड़ी आसानी से इलाज मौजूद है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी मेडिसिन शेयर करूँगा कि जिनको आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। बड़ी सेफ़ मेडिसिन है, किसी भी किस्म से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप उन मेडिसिन के नाम नोट कीजिए जो मेडिसिन आप अपने बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो स्कूल कंटिन्यू जाएं। अगर आपका बच्चा फियरफुल है, अगर आपका बच्चा डरता है स्कूल जाने में, या उसे किसी किस्म का डर है, दहशत है, घबराहट है उसके मन में, तो आप उससे बात करें, उसे समझाएं, उसकी बात को समझने की कोशिश करें, उसके ऊपर फोर्स न करें, और कुछ मेडिसिंस की हेल्प से आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। आपका बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, सभी के लिए मेडिसिन बराबरी से वर्क करती है। तो आप नोट कीजिए कुछ मेडिसिंस के नाम जो मैं अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली मेडिसिन हम बच्चों को दे सकते हैं जिसका नाम है एकोनाइटम नेपलस। इस मेडिसिन को उस कंडीशन में दिया जाता है कि जब बच्चा या बड़ा स्कूल जाने में या पब्लिक प्लेस पे जाने में या ट्रैफिक को क्रॉस करने में या टीचर्स के सामने या अपने क्लास में परफॉर्मेंस के दौरान अगर डरता है, उसे डर लगता है, घबराता है, या उसके सर में दर्द होता है, या उसे बेचैनी महसूस होती है, या उसके पेट में बेचैनी जैसा कोई दर्द होता हो, तो आप इस मेडिसिन एकोनाइटम नेपलस को 30 पोटेंसी में मार्केट से परचेज़ कर लीजिए कोई भी होम्योपैथिक फार्मेसी से, और इस मेडिसिन को अपने बच्चे को दे सकते हैं। अब इसे कैसे दिया जाए? इस मेडिसिन को 30 ml की पैक बॉटल आप लाइए मार्केट से, और एक चम्मच पानी में दो दो बूंद हर दो घंटे में आप बच्चे को दे सकते हैं। अब रहा सवाल कि बच्चा स्कूल जाता है तो आप के बच्चे की जो स्कूल में एक पानी की बॉटल लीजिए, उसमें एक गिलास पानी डालिए, उसके अंदर 20 बूंद आप एकोनाइटम नेपलस 30 पोटेंसी के उसमें डाल दीजिए, उस बॉटल को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और बच्चे से कहिए कि इसको स्कूल टाइम में कम से कम 4 बार वो यूज़ कर ले, थोड़ा थोड़ा एक घूंट पी ले, एक कप पी ले, 100 ml पी ले, 200 ml पी ले, या आप उसे बच्चे को गाइड कर दें। अब इसी कड़ी में नेक्स्ट मेडिसिन आती है इग्नेशिया आमारा 30 पोटेंसी में। यह मेडिसिन भी आप 30 ml पैक बॉटल लीजिए, और इसको भी एक चम्मच पानी के अंदर दो बूंद दवा हर दो घंटे में आप दे सकते हैं अपने बच्चे को। और इस मेडिसिन के लक्षण हैं कि आपका बच्चा अगर डिप्रेस्ड हो रहा है, उदास हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहा है, या उसको स्कूल में टीचर्स की तरफ से अगर कोई डांट पड़ी है या उसका किसी से कोई झगड़ा हो गया है जिस वजह से वो डिसअपॉइंट है, या अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहा है या मिलने नहीं जा रहा है, तो आप उसको 30 पोटेंसी में इग्नेशिया एमआरआई उसको दे सकते हैं। बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं इस मेडिसिन से। और इसी के साथ जो थर्ड मेडिसिन, जो तीसरी मेडिसिन हम दे सकते हैं बच्चों को, वो है बेराइटा कर्ब।
ये 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं, 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। इस मेडिसिन को भी 30 ml की पैक बॉटल आप मार्केट से परचेस कीजिए, हर 2 घंटे में 1 चम्मच पानी में मिला करके आप अपने बच्चे को ये दवा दे सकते हैं। अब मेडिसिन को पानी में मिलाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेडिसिन काफ़ी स्ट्रांग होती है टेस्ट में, ये बर्निंग टेस्ट होता है इसका। अगर टंग के ऊपर कंटिन्यूस इसको आप गिराएंगे दो दो बूंद करके भी, तो 1 दिन या 2 दिन में कम से कम जवान के ऊपर इससे अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, छाले होने लग जाते हैं। अब छोटे बच्चों की जवान और काफ़ी सॉफ्ट और डेलिकेट होती है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें मेडिसिन जो डाइल्यूशन होता है होम्योपैथी का, वो उसे डायरेक्ट टंग के ऊपर ज़्यादा समय तक नहीं दे सकते, तो उसे आप पानी में मिलाकर दीजिए। और अगर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो गोलियों के अंदर ग्लोबुल्स के अंदर आपको डाल करके मेडिसिन देते हैं। तो ये 3 मेडिसिन हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन, अगर कोई आपकी बच्ची है, कोई फीमेल है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो अगर स्कूल जाती है, स्कूल गोइंग गर्ल है, उसे पेट में दर्द रहता है, जैसे ही स्कूल का नाम लिया, जैसे ही स्कूल जाने की तैयारी हुई तो पेट में दर्द शुरू, सर में दर्द शुरू, घबराहट शुरू, अजीब अजीब से सिम्टम्स आने लगते हैं, तो अब माता पिता पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये बहाना कर रहा है बच्चा या बच्ची, बहाना कर रहा है, कर रही है, स्कूल नहीं जाना है, तो इसलिए तरह तरह के ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं होता, हर बच्चा एक्टर नहीं होता है, कुछ बच्चों को वाकई रियल में कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां होती हैं, तो ये पेरेंट्स की